आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो शूट किया है आज। सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी लगभग दोपहर के 4 बज गए हैं, लगभग शाम के ही 4 बज गए हैं। कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो अभी खाने की भी तलाश में है। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोगों के सवाल जो हैं इंस्टाग्राम के, वो भी रिप्लाई करना है यार, उसका भी Q&A वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सवाल का जवाब देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले कुछ खाने का ढूंढते हैं, साथ के साथ आप लोगों का Q&A जो है वो भी स्टार्ट करते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चले फिर स्टार्ट करें। और हाँ, आप मुझे गैस करके बताइए कि आज का शूट जो है वो कौन सी गाड़ी का किया था मैंने, देखते हैं कितने लोगों की गैस सही होती है। वैसे आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर बना है वो। और हाँ दोस्त, अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है या कोई भी आपने सवाल नहीं पूछे वहाँ पर, तो मुझे जल्दी से फॉलो कीजिए और अपने DMs मुझे भेजिए, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ, या वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया तो आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू दे सकूँ। आप लोग क्या लोगे? एक्सक्यूज मी, एक मेरे को चिकन रैप दे दो। यप, ग्रिल चिकन रैप एंड वन आइस टी। मीडियम एंड स्मॉल? स्मॉल दे दो यार, बहुत शुक्रिया होती है। स्मॉल वन, स्मॉल आइस टी एंड वन ग्रिल चिकन रैप। यप। और सर? नथिंग एल्स। 120 रुपीस सर। ओके, थैंक यू। अभी थोड़ा सा सहारा लग जाए यार, और तो क्या है। बाकी तो मजबूरी का नाम ये है। हाँ जी, अभी देता हूँ दोस्त। नहीं, हम कतार में हैं। वेल, अभी कतार थोड़ी सी लंबी है, तब तक हम लोग क्या काम करते हैं, आपके Q&A देख लेते हैं। तो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा मिस्टर नितिन को एंड मिस्टर मास्टो को, जिन्होंने, एक ने ली है RS और एक ने ली है क्रेटा। सो मुबारक हो दोस्त आप सब लोगों को, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नई गाड़ी की। और यप, थैंक यू। अब कहीं छांव मेरे को मिल जाए तो हम यहां गाड़ी लगा लेते हैं। और आप लोगों से कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। ओके, तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर नितिन का, वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई ऑन रोड कार चाहिए अंडर 6,55,000। वाह, वेरी गुड यार। मंथ रनिंग है इनकी 500 किलोमीटर। ऑडियो क्वालिटी में प्लीज सजेस्ट। ऑडियो क्वालिटी, ओके, मतलब कि आपको 5.5 लाख के अंदर भैया अच्छी से अच्छी, सॉरी 6.5 लाख के अंदर अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहिए, और 500 किलोमीटर चलते हैं फैमिली। तो यार मेरे भाई, आप बलिनो डेल्टा ले सकते हो, तो आप बलिनो डेल्टा ले सकते हो दोस्त। सच में खा गए? अरे एक ही लिया था भाई। खैर मजाक कर रहा था, तो आप लीजिए बलिनो डेल्टा दोस्त। बलिनो डेल्टा के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर ले सकते हैं।
और चेतन जी पूछ रहे हैं कि सर 8 लाख से 9 लाख में कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी? 5 सीटर, 5 सीटर 8 से 9 लाख के अंदर। तो एक ऐसी बात है चेतन जी, थोड़ा टाइम रुकी है, होंडा अमेज भी आ रही है और एस्पायर का फेसलिफ्ट भी आएगा और फिगो का फेसलिफ्ट भी आएगा। अगर आपको सेफ्टी हिसाब से चाहिए देन उस टाइम आप फिगो का टॉप वेरिएंट ले लेना, एस्पायर पे भी जा सकते हो या अमेज की भी अच्छी क्वालिटी आएगी। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन अगर वेट नहीं करना चाहते हो देन आप एस्पायर या फिगो के अंदर से ले सकते हैं सेफ्टी के हिसाब से। तुषार जी पूछ रहे हैं कि रोहित भैया प्लीज रिव्यू डीसी हमर, वांट टू कस्टमाइज माय महिंद्रा थार एंड विद द हेल्प ऑफ व्लॉग माय अंकल बॉट ए न्यू कार हुंडई i20 इलेक्ट्रिक। कांग्रेचुलेशंस अंकल जी, तुषार जी आपके अंकल जी को कांग्रेचुलेट बोलिएगा। और दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कि आपको अपनी महिंद्रा थार को कस्टमाइज करना है। एक्चुअल में क्या है कि थार को जो कस्टमाइज खुद महिंद्रा वाले भी करके देते हैं, अगर आपको वो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप उनसे भी आप करवा सकते हैं। विक्रम सिंह जी पूछ रहे हैं कि मंथ रनिंग 1100 किलोमीटर है, i20 पेट्रोल लूं, एवरेज अफोर्ड हो गया डीजल लूं? यार अगर आप 1100 किलोमीटर है तो मतलब कितना चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको माइलेज बेस के हिसाब से गाड़ी लेनी है ना दोस्त, तो फिर इस हिसाब से तो आप बलिनो के ऊपर चले जाओ। अगर माइलेज को ही आप देख रहे हैं तो डीजल में क्यों जा रहे हो, डीजल तो मत जाओ ना। एक काम करो आप देखो, 35-40 किलोमीटर अगर आपका डेली का रन है तो एक काम करो पेट्रोल गाड़ी ले लो और उसके अंदर आप सीएनजी लगवा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आन्या जी पूछ रहे हैं सर सीबी ऑर्नेट और यामा SZR। यार मैं तो ऑर्नेट को ही प्रेफर करूंगा यार। आनंदा सर, निसान सनी और फिएट लिनिया, इट्स अर्जेंट और अर्जेंट के अंदर यार सनी और इसके अंदर क्यों जा रहे हैं आप? सनी या लिनिया के अंदर अर्जेंट का ऐसा तो कुछ इश्यू है नहीं यार, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही मतलब अगर फिर भी आपकी पसंद इन दोनों में से ही चूज करनी है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिनिया थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि इस कार की बजाय जो है ना लिनिया थोड़ी सी सॉलिड ज्यादा। ओके, डिटेल दोनों की नहीं है। राहुल जी क्या बोल रहे हैं कि सर हाय माय नेम इज राहुल, प्लीज होंडा सिटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आपने ड्राइव की है, अरे अच्छा पहले भी दिखा चुका हूँ, ट्रांसमिशन जो आपने ड्राइव की है उसका रिव्यू प्लीज। मैं हैंडीकैप हूँ तो क्या आप अच्छा रहेगी, सेकंड हैंड लेनी है 2011 का मॉडल। देखो दोस्त, अगर गाड़ी पेट्रोल में चली है, ठीक है, सही से उसने मेंटेन करी है तो कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। और रही होंडा सिटी ऑटोमेटिक की बात, यस बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और मजा आता है जब आप जाम के अंदर भी रहते हो तो भी आपको कोई खास परेशानी या दिक्कत नहीं होती है, देन डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ होंडा सिटी ऑटोमेटिक लीजिए। अंशुल जी क्या बोल रहे हैं, एक तो इन्होंने टाइपिंग पता नहीं नॉर्मल उसमें नहीं करी। हेलो सर जी, सर मेरा बजट 6 लाख है, पर डे रनिंग 25 किलोमीटर है, डीजल पे जाऊं या पेट्रोल पे, और कौन सी कार पे जाऊं? फैमिली के साथ चलता हूं हमेशा सर, कार के साथ उसका प्रॉपर वेरिएंट भी बताना, अक्सर हाईवे पे भी चलता हूं। सर जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी माइलेज इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताना। 25 किलोमीटर में तो कौन सा आपको माइलेज की इतना कोई, खैर फिर भी आपको सेफ्टी के हिसाब से मैं यहां पर बता सकता हूं, और 6 लाख के अंदर है। आप टियागो ले लो यार जाकर के, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है आपको टियागो ही पूरी करके देगी, क्योंकि आपको बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए। माइलेज का करता तो मैं आपको इग्निस या कौन सी है अपनी बलिनो का सिग्मा वेरिएंट बोल देता, लेकिन आप टियागो ले लो,
अगला सवाल है मिस्टर अमित जी का। अमित जी पूछ रहे हैं कि वरना पेट्रोल को सिटी पेट्रोल से कम अच्छा क्यों बोला जाता है। मैं एक 5 सीटर कार लेना चाहता हूं 7 लाख तक दिवाली पे, कौन सी कार लूं? क्या कोई न्यू कार लॉन्च होने वाली है? नई गाड़ियां तो काफी सारी लॉन्च होने वाली हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी के ऊपर जाओगे। जैसे कि फिगो का भी फेसलिफ्ट आएगा, एस्पायर का भी आएगा, होंडा अमेज भी आने वाली है, और तो इन तीनों चारों में से कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन वरना का और सिटी का अगर कंपैरिजन करें तो दोस्त ऐसा है कि पेट्रोल के अंदर वरना की बजाय सिटी एक तो माइलेज ज़्यादा अच्छा देती है, दूसरी कि आपकी थोड़ी सी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी कम है, और तीसरा जो एक जो पावर डिलीवरी है ना वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है, तो आपको स्मूथ राइड जो है वो ज़्यादा मिलेगी सिटी के अंदर। बहुत माइनर सा ही गैप है तीनों के अंदर, ये जो भी मैंने बताया तो 19-20 का फर्क है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो है होंडा सिटी को थोड़ा सा लोग जो है वो ज्यादा देखते हैं। पवन जी पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू सर? आई एम गुड ब्रो। सर हुंडई i20 डीजल 2012 मैग्ना मॉडल 52,000 किलोमीटर चली है, 3.75 लाख आस्किंग, ले लूं क्या? देखिए यार, डीजल की जो सेकंड हैंड गाड़ियां होती है उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ हमेशा डाउट ही रहता है, क्योंकि डीजल की गाड़ियां कम चला करके बहुत कम लोग बेचते हैं। लेकिन अगर आपके ही नजरों के सामने इतनी ही चली है गाड़ी तो डेफिनेटली कंडीशन वाइज तो अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी कीमत मैं समझता हूँ कि 3-10, 3-20 के आसपास अगर इतने में मिलती है देन डेफिनेटली ले लीजिए। शैलेश जांगरा जी पूछ रहे हैं कि ये कह रहे कि सर जी इको स्पोर्ट टाइटेनियम या वरना SX डीजल में लेनी है? डीजल में लेनी है तो क्या सवाल है? पहले तो आप ये चीज देखिए कि कॉम्पैक्ट SUV या एक लग्जरी सेडान, वो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। दूसरी चीज, इन दोनों में से ही अगर डिसाइड करना है और आपका कंफ्यूजन फिर भी दूर नहीं हुआ तो मैं वरना के ऊपर ही जाऊंगा, वरना डीजल इज फैंटास्टिक। ये भी। अगला सवाल पूछा है, ये पूछा है मिस्टर सूर्या जी ने, कह रहे हैं कि इको स्पोर्ट और सुजुकी एस्क्रोस विच वन इज बेटर और मोर वर्थ द मनी? यहाँ पे थोड़ा सा पता है क्या है? अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस और ज्यादा कंफर्ट चाहिए ना, देन डेफिनेटली एस्क्रोस। और एस्क्रोस जो है वो मारुति का अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट है यार, उसको खराब हम नहीं कह सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इको स्पोर्ट जो है वो बेकार है। इको स्पोर्ट आपको जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा कम स्पेस के साथ मिलती है, राइट? एक रीसेल की अगर मैं बात करता हूँ देन डेफिनेटली एस्क्रोस की कोई खास अच्छी रीसेल है नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग कहते हैं कि इट्स अ फ्लॉप प्रोडक्ट, बट मैं उसको नहीं मानता क्योंकि काफी अच्छी है गाड़ी। तो ये देखिए कि आपको ज़्यादा कंफर्ट और स्पेस चाहिए देन एस्क्रोस। अगर आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक बेटर उससे की बजाय अगर आपको बेटर रीसेल वैल्यू चाहिए तो इको स्पोर्ट, राइट? अगला सवाल है मिस्टर अनिल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मारुति सियाज बुक करा ले सही है? भाई सियाज या फिर बलिनो ले लूं? मतलब कि आप बेस वेरियंट सियाज की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सियाज ही लो, ओके? अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर तनिश शर्मा ने, ये कह रहे हैं कि भैया एक्चुअली आई वांट टू प्लान परचेज इग्निस डेल्टा बट आई वांट टू पुट टच स्क्रीन सिस्टम जो इग्निस के अल्फा में होता है, क्या हम कंपनी से डेल्टा में लगवा सकते हैं? और ओके, ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनके डेल्टा वेरियंट है उसके अंदर जो है वो अल्फा के अंदर जो आता है सिस्टम वो लगवा सकते हैं क्या? नहीं, इन्फोटेनमेंट की बात ये कर रहे हैं। दोस्त ऐसा है कि आफ्टर मार्केट के अंदर वो नहीं मिलता है, एज एसेसरी भी नहीं मिलता है, जहां तक मारुति ने कंफर्म किया है कि वो बाहर ये सिस्टम नहीं प्रोवाइड करती है। बट टेंशन क्यों ले रहे हो यार, बाहर मार्केट के अंदर दुनिया भर के इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि उससे तो क्या उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं। और मैंने एक बहुत चीप एंड बेस्ट इंफोटेनमेंट का बताया भी हुआ है आप लोगों को,
उसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कहीं मिल जाएगा, तो वो जाकर के देख लीजिए। लेकिन दुनिया भर के आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि आपका जो स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल दिए हुए है ना, वो शायद ना चले। शायद हो सकता है कि बहुत अच्छे मैकेनिक होते हैं तो वो भी चला देते हैं, ठीक है। बहरहाल वो आप नहीं लगवा पाएंगे, जो कि कंपनी फिटेड आता है अल्फा के अंदर, वो डेल्टा में नहीं लगेगा। ओके दर्शन जी दे रहे, दर्शन दिए हैं अभी, और वो पूछ रहे हैं कि भैया रिप्लाई, अरे क्वेश्चन बताओ, इन डीजल शुड आई गो फॉर टिगोर XT और शुड आई गो फॉर नेक्सोन XM, प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन टिगोर। थैंक यू सर। थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। भाई साहब, आप जो है डेफिनेटली नेक्सोन डीजल ले लो, कहीं पर कोई मैच ही नहीं है यार नेक्सोन का और टिगोर का, खास करके डीजल वेरिएंट के अंदर। ओके, अगर आप पेट्रोल के बारे में कुछ पूछते तो फिर भी थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ता, लेकिन इसके अंदर नहीं है। रितेश यादव क्या बात कर रहे हैं, रितेश जी पूछ रहे हैं कि सर आपने तो क्रश और GF की तरह रिप्लाई दिया, मतलब मेरे इतने बड़े क्वेश्चन पर आपका रिप्लाई आया केवल 3 लेटर का। एक्चुअली इनका जो सवाल था तो उसके अंदर कंक्लूजन यही निकल रहा था कि बेसिकली पूछ रहे हैं कि बलेरो ले या TUV, तो मैंने नीचे लिख दिया कि TUV। विदित जी पूछ रहे हैं कि सर आई एम योर वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर, प्लीज गिव मी सजेशन बिटवीन अर्टिगा और BRV, हु इज बेटर। दोनों गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर अर्टिगा ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत BRV की बजाय थोड़ी बहुत ज्यादा चलन के अंदर है, और रीसेल भी अच्छी मिलेगी, और इसका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी अच्छा रहेगा BRV की बजाय। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो भी अर्टिगा की इजिली रहेगी, राइट? तो डेफिनेटली अर्टिगा। लास्ट बाइट है, खत्म करता हूं, उसके बाद देखते हैं कि कितने क्वेश्चन और बचे हैं। सॉरी यार, थोड़ी सी टाइम बाउंडेशन होती है, नहीं तो मैं क्वेश्चन के जवाब तो मैं लगभग सभी के देना चाहता हूं आप लोगों के। ज्ञान विकास गोगोई जी पूछ रहे हैं कि यू डू रिव्यू ऑफ टाटा जस्ट। ओके सर, नोटेड, देखते हैं जैसे मौका मिलता है तो हम करते हैं। वेल, खाना खत्म, क्वेश्चंस खत्म, तो एंड हम लोग इस कैमरे से करते हैं। ओके, तो वेल दोस्तों, ये था आज का Q&A। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब भी मिला होगा आपको। अगर मेरे को क्वेश्चन आपने पूछने हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ऑफिशियल फ्री एडवाइस, जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एड्रेस आपको यहां पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब भी वहां पर मिल जाए, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाए, हो सकता है कि मैं साथ के साथ आपके DM का रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्री एडवाइस को, ताकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस का जवाब मिल सके, कंफ्यूजन दूर हो सके, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिए, और 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डालिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।